हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने आपको सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 में टेंजेंट नॉर्मल की एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम आपको आगे के क्वेश्चन करवाएंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, ठीक है? तो छोटा सा कंसेप्ट इस तरीके से है, आप यहाँ पे हेडिंग लगा ले भैया। पहला कंसेप्ट है पैरेलल कंडीशन का, ठीक है? फर्स्ट कंसेप्ट है पैरेलल कंडीशन का। तो पैरेलल कंडीशन में आप लोगों को ये सीखना है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, ठीक है भाई, दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो इनके स्लोप का नेचर क्या होता है, ये आपको सीखना है। और आप यहाँ पे नोट कर लो, ये लाइन नंबर वन है, लाइन नंबर वन का स्लोप निकाला आपने, एम वन आ गया। ये लाइन नंबर टू है, लाइन नंबर टू का स्लोप आपने डिटरमाइन करा, एम टू आ गया। तो एम वन और एन टू में क्या रिलेशन है? तो भाई एम वन और एम टू इक्वल होते हैं, ठीक है भाई, एम वन और एम टू इक्वल होते हैं। जब भी लाइन्स इक्वल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, ठीक है? लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप आर इक्वल, स्लोप आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये पहली कंडीशन है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन ऐसे आती है, सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है भाई? सेकंड कंडीशन कहती है परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन कहती है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, ऐसे और ऐसे, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो मान लेते हैं लाइन नंबर वन है, लाइन नंबर वन का स्लोप है एम वन, ये लाइन नंबर टू है, लाइन नंबर टू का स्लोप है एम टू, ठीक है भाई? एम वन और एम टू दो लाइन आपस में 90 डिग्री के एंगल के साथ इंटरसेक्ट हो रखी हैं, तो इनकी स्लोप का क्या नेचर होगा? तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, ठीक है? एम वन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एम टू के साथ तो टोटल आंसर माइनस वन होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दो बेसिक हैं। आगे के क्वेश्चन इन्हीं दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन पैरेलल पे फोकस करता है, एक क्वेश्चन परपेंडिकुलर पे फोकस करता है। तो दीज कंडीशन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर टूडे क्लास। फटाफट से रिवाइज करेंगे। पैरेलल कंडीशन, लाइन पैरेलल है, ठीक है, कोई भी दो लाइन हो सकती है। क्वेश्चन बोलेगा टेंजेंट वाली लाइन जो है वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो एक टेंजेंट लाइन और एक पैरेलल लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो दो लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल हैं तो उन दो लाइनों का जो स्लोप है वो इक्वल है। सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर कंडीशन, 90 डिग्री का एंगल बनेगा लाइनों के बीच में। तो अगर ऐसा सीन है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, दोनों लाइनों का जो स्लोप होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप टोटल मिलाकर के माइनस वन होगा, ठीक है? फटाफट से आप एक बार दो कंडीशन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले तो इक्वेशंस लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा आंसर इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? फाइंड द इक्वेशंस, एक से ज्यादा आंसर इसमें निकल कर आएंगे और आपको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है जो इस कर्व के ऊपर बनेगा, ठीक है? इस कर्व के ऊपर नॉर्मल जनरेट होगा। और साथ में कहते हैं विच आर, विच का मतलब है नॉर्मल, तो नॉर्मल पैरेलल होगा इस लाइन के, ठीक है? कौन से लाइन के? ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस वाले लाइन के नॉर्मल लाइन जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है? मैंने बताया था ना पैरेलल का मतलब क्या होता है, गिवन लाइंस की स्लोप इक्वल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है? नॉर्मल भी लाइन है और एक लाइन तो आपको दे रखी है, तो नॉर्मल वाली लाइन और ये वाली लाइन का स्लोप इक्वल है, ठीक है? एक बार मैं इसको ना डायग्राम बनाकर के आपको समझाता हूँ, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? देखिए गाइस, जो आपको क्वेश्चन में कर्व गिवन है, ये वाला कर्व गिवन है, तो ये वाला कर्व ऐसे करके हाइपरबोला बनेगा, और जो लाइन गिवन है ये वाला x प्लस 3y बराबर 4, उसका ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये डायग्राम है। अब इस वाली स्ट्रेट लाइन से नॉर्मल जनरेट करनी है आपको, ठीक है? नॉर्मल जनरेट करनी है। नॉर्मल जनरेट करने का मतलब है, देखो, एक तो नॉर्मल ऐसे करके ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, इसके पैरेलल बनेगा। ब्लू लाइन इज द पैरेलल ऑफ दिस ब्लैक लाइन, तो ब्लू लाइन जो है वो नॉर्मल है इस कर्व के ऊपर, ठीक है? और सिमिलर वे में एक आपका ऐसे बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे बन जाएगा। ये वाला ब्लू लाइन भी इस ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है? तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसी इक्वेशंस आपको बतानी है नॉर्मल की जो पैरेलल होगा, तो एक लाइन ऊपर जाएगा और एक लाइन नीचे आएगा, इस तरीके का सीन हमारा बनेगा, ठीक है? अब इस तरीके का सीन बनेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
मतलब करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो इस वाले नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा और इसी वाले नॉर्मल का क्या कहते हैं कॉमन पॉइंट चाहिए होगा। भैया पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से नॉर्मल बन रही है, पासिंग पॉइंट और स्लोप दो चीजें चाहिए होती हैं, दोनों चीजों के बेसिस पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम देख करके आपको अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मिली होगी कि भैया इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक ऊपर की तरफ लाइन है एक नीचे की तरफ लाइन है। इस क्वेश्चन को समझ लेने के बाद में आपको अपने एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, मैंने भी ये डायग्राम ग्राफ कैलकुलेटर से देख करके बनाया है, मुझे भी फटाफट तेजी में डायग्राम बनाने नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। अब जो सॉल्यूशन मैं लिखूंगा वो आपको अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मुझे बस आपको छोटी सी बात समझानी थी कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो इस नॉर्मल वाली लाइन की स्लोप के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल कंडीशन है और एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये दिस इज द करेक्ट डायग्राम, ऐसा आपको कुछ नजर आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, करेंगे कैसे, ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम में सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे इस वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली लाइन को लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना है लाइन। ठीक है भाई, लाइन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस में 3 वाई की टोटल वैल्यू 4। ठीक है, इस लाइन का स्लोप डिटरमाइन कर लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन इसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 बिल्कुल सेम रहेगा, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश होगा, 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो वाई डैश का आंसर आपके पास ये 1 वहां पे चला जाएगा, तो -1/3 आएगा। ठीक है भाई, ये इसका स्लोप निकल जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ये है, तो स्लोप ऑफ लाइन -1/3 है। अगर आपको ऐसे वाला डेरिवेटिव समझ नहीं आता है, डेरिवेटिव मत करिएगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस में ए अपॉन बी करके कर लेना। ठीक है, माइनस में ए अपॉन बी, एक्स के बगल में जो लिखा हुआ है वो ए है, तो ए की वैल्यू 1 है, वाई के बगल में 3 है तो वाई का वैल्यू 3 है, तो -1/3। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये ज्यादा बेटर रहता है जब आपको लाइन का प्रॉपर इक्वेशन गिवन है, तो -a/b इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया है -1/3, यही -1/3 जो स्लोप है आपके नॉर्मल का स्लोप है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, टेल मी वन थिंग, आपके पास में स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो क्या आप स्लोप ऑफ टेंजेंट डिटरमाइन कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं इस कर्व का डेरिवेटिव करूंगा तो कर्व का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो? जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, और ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल के ऊपर फोकस करता है, तो इसका यूज करके आप स्लोप ऑफ नॉर्मल डिटरमाइन कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन में कर्व का डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, तो अनबैलेंस हो रहा है, एक जगह पे टेंजेंट है एक जगह पे नॉर्मल है, ऐसे तो कहानी नहीं बनेगी, है ना भाई? तो हम क्या करेंगे, जो यहां से नॉर्मल का स्लोप आएगा उसको टेंजेंट के स्लोप में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो स्लोप ऑफ लाइन ये आ गया, इसी के बाद लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या है, तो नॉर्मल का स्लोप ये बिल्कुल सेम टू सेम है, -1/3 ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि क्योंकि लाइन पैरेलल है। ठीक है, बिकॉज लाइन एंड नॉर्मल आर पैरेलल, ऐसे साइड पे लिख देंगे। ठीक है, लाइन और नॉर्मल जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो भैया स्लोप बराबर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इस वाली स्लोप ऑफ नॉर्मल को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होता है, फटाफट से बताओ। इसका रेसिप्रोकल 1/3 का रेसिप्रोकल 3, नेगेटिव साइन को चेंज करा तो 3 आ गया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब फटाफट से कर्व का डेरिवेटिव करके पॉइंट डिटरमाइन करो क्या है। ठीक है भाई, पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए ही हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करी है, वरना कोई जरूरत नहीं थी। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा माइनस साइन, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, साथ में वाई डैश आएगा, इक्वल टू में 8 का डेरिवेटिव 0। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, 2 इंटू में वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू में 3 इंटू में 2 इंटू में एक्स आ गया, 2 और 2 कैंसिल, तो वाई डैश का आंसर बना 3 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में वाई। ठीक है भाई, y डैश का आंसर है 3 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में y। अब 3 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में y y डैश है, तो वर्ड y डैश क्या है? ठीक है, y डैश स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। ठीक है, 3 वाली वैल्यू है,
तो यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू कितना बन गया, वाई डैश का वैल्यू 3 बन गया। तो 3 इज इक्वल टू में 3 इंटू एक्स के डिनोमिनेटर में वाई, 3 3 कैंसिल करा तो पता चला वाई एक्स बराबर है। ठीक है भाई, वाई एक्स बराबर है, यहाँ से पॉइंट नहीं निकला, खाली पता चला वाई एक्स बराबर है। अगर वाई एक्स बराबर है तो पॉइंट के लिए इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 3x² - y² तो 3 × x² - में x² = 8, क्योंकि एक्स वाई बराबर है तो y² x² के बराबर है। ठीक है, दोनों को माइनस करके 2x² का वैल्यू निकल कर आएगा आपके सामने, टोटल मिला के 8, 2 और 8 कैंसिल होगा, x² का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू प्लस और माइनस में √4 होगी, यानी कि x की वैल्यू आपके सामने प्लस माइनस 2 आएगी। ठीक है भाई, दो पॉइंट निकल कर आएंगे x = +-2। फटाफट तेजी में एक बार यहां तक रिवाइज करेंगे, फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया था ऐसी इक्वेशन बताओ जहां पर नॉर्मल, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इस वाली लाइन के पैरेलल हो। तो मैंने आपको बताया भैया डायग्राम इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम के बाद में हमें पता चला अरे पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है, इसका मतलब लाइन का जो स्लोप है नॉर्मल की स्लोप के बराबर है। तो लाइन का स्लोप -a/b करा हमने, -1/3 आ गया, यही सेम टू सेम स्लोप नॉर्मल का है तो नॉर्मल का स्लोप भी -1/3 आ गया। लेकिन पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, जो ये वाले पॉइंट हमने फाइंड करे हैं, ये वाले पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्योंकि हम जब कर्व का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट नहीं आता है। तो वी नीड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, न्यूमेरिकल टर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया, वही रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन चेंज करके, तो हमारे पास निकल कर आया आंसर 3 है। अब इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव था वाई डैश इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 3 है, कट कटा के x की वैल्यू आ गई। ये खाली x की वैल्यू है, y का वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, y का वैल्यू भी चाहिए, तो देखो आपने यहाँ पे लिखा था y और x बराबर हैं। ठीक है, y और x बराबर हैं, तो y और x बराबर हैं मेरे दोस्तों, तो x का वैल्यू +-2 है, तो y का वैल्यू भी +-2 है। ठीक है भाई, y का वैल्यू भी +-2 है। अगर आप x और y को पॉइंट में कन्वर्ट कर दोगे तो पहला पॉइंट है 2 और 2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -2 और -2। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट का यूज करके हमें अब इक्वेशन फाइंड करनी है। दो इक्वेशन आएगी, देखो यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी इक्वेशंस बताओ, यहाँ पे डायग्राम में भी बताया मैंने आपको, दो इक्वेशंस आएगी, तो 2 2 और -2 -2 का यूज करके वी विल गेट द आंसर। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं -2 -2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ऐसे नॉर्मल पास हो रही है, और 2 2 ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ऐसे करके नॉर्मल पास हो रही है। ठीक है भाई, आसान है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नॉर्मल का पासिंग पॉइंट आपके सामने आ गया, अब जल्दी से बताओ स्लोप कौन सा यूज करोगे। फोकस, बिल्कुल फोकस, कंसंट्रेशन के साथ सारी बातें सुनने के बाद जरा बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। आप कहेंगे सर मजाक करो, लिखा हुआ है यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 होगा। अरे यार, कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे नादान बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो इस 3 को लेके बैठ जाते हैं। ना भाई ना, वो तो टेंजेंट लिखा है, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है टेंजेंट है, वो तो नॉर्मल, नॉर्मल है -1/3। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट्स और स्लोप का यूज करके हमें बस इक्वेशन बतानी है, दो इक्वेशन आएंगी, आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, डायग्राम को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम तो बनाने नहीं है, ये तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने बना दिए थे, डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर दो भैया केस नंबर 1। ठीक है भाई, C1 का मतलब केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये 2 और 2 और स्लोप -1/3, तो वाई में माइनस करेंगे y1 इक्वल टू में स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है m2 के साथ में x माइनस में x1, x1 y1 2 और 2 है, y-2 इक्वल टू में m2 लिखते हैं अभी यहाँ पे x-2, m2 ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है, तो माइनस का 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × y - 2 इक्वल टू में माइनस का x+2। ठीक है भाई, ये वाला माइनस जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज कर देगा, x को यहाँ पे लेके आएंगे तो x के एडिशन में 3y होगा। ठीक है, x के एडिशन में 3y होगा और ये 2 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x + 3y = 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, x प्लस में 3y = 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन।
रुको, वेट 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 वेट, ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 6 होएगा ना भाई, 3 2 6, तो 6 और 2 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू में 8 इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में केस नंबर 2, ठीक है, सी टू इज द केस नंबर 2। इक्वेशन सेम रहेगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू में एम टू के साथ में एक्स माइनस में एक्स वन, तो वाई माइनस, केस नंबर 2 ये वाला है, एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव है, तो माइनस टू इक्वल टू में माइनस का 1/3 के साथ में एक्स माइनस में माइनस टू। होगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो वाई एडिशन 2 इक्वल टू में माइनस 1/3 के साथ में एक्स एडिशन में 2। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × y प्लस में 6 इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस 2। एक्स इधर आएगा, तो एक्स के एडिशन में 3 × y के इक्वल टू में माइनस 8। दिस इज द आंसर, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई है, ठीक है, आ गई है ना, बता तो दो यस और नो, आ गई है नहीं आ गई है, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दिस इज द आंसर, ये 2 इक्वेशन है, आप एक बार इसको अब कंप्लीट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स प्लस 1/x, आपको कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बताना है और परपेंडिकुलर का कंडीशन है, ठीक है, विच का मतलब है नॉर्मल, तो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, नॉर्मल जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन यूज करना है। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द लाइन इज माइनस वन, सॉरी स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइन इज माइनस वन, है ना, लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस वन होगा, ये कंडीशन आपको इसमें यूज करनी है। और यहाँ पे कहीं पे आपको पॉइंट गिवन नहीं है, और आपको मालूम है इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, वरना पॉइंट को डिटरमाइन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, फिर पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो इस लाइन को नोट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लाइन, ठीक है, या ऐसे मत लिखो, लाइन क्या होता है, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप क्या है, तो आपको मैंने कहा था लाइन का स्लोप है माइनस में a बाय बी, माइनस का a बाय बी, x की जगह x के साथ में 3 है, तो माइनस में a की वैल्यू 3 है डिनोमिनेटर में, b के साथ में माइनस 4 है, सॉरी y के साथ माइनस 4 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, आंसर आ गया 3/4, ठीक है भाई, ये है स्लोप ऑफ लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के बाद में परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे नोट करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और जल्दी से बताओ जरा स्लोप ऑफ नॉर्मल और लाइन का क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर कंडीशन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे जब स्लोप ऑफ लाइन से, ठीक है भाई, जब स्लोप ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस वन। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है एम टू, तो एम टू के साथ में इसको मल्टीप्लाई करने पर 3/4 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस वन है, यानी कि एम टू का वैल्यू माइनस में 4/3 है, ठीक है भाई, व्हाट इज द एम टू वैल्यू, एम टू वैल्यू इज -4/3। जब इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इस स्लोप का यूज करेंगे, बट पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए इस वाली स्लोप को कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट में, ठीक है भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का कंडीशन तो याद है ना आपको, कैसे डिटरमाइन होता है, जल्दी से बता दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे होता है, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, रेसिप्रोकल साइन चेंज, रेसिप्रोकल साइन चेंज, 4/3 का रेसिप्रोकल करने पे 3/4 आएगा, साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 3/4 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि एम वन का वैल्यू जो है वो 3/4 है, या फिर आप कह सकते हैं dy/dx का जो वैल्यू है वो 3/4 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने आपको लाइन गिवन किया हुआ था, लाइन का स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर कंडीशन नॉर्मल लाइन के साथ में थी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, इसके बाद में पॉइंट को फाइंड करने के लिए टेंजेंट की स्लोप चाहिए होती है, तभी हमने ये करा, अगर पॉइंट गिवन होते तो ये ना करते, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेरिएबल वाला स्लोप चाहिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है भाई, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा,
और प्लस सेम रहेगा, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, टोटल मिलाकर के वन माइनस में वन अपॉन एक्स पावर टू है, ठीक है भाई। ये स्लोप है, ये स्लोप है, और इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 3/4 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3/4 है, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, इसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो वन डिवाइड बाय एक्स पावर टू के इक्वल टू में वन माइनस में थ्री डिवाइड बाय फोर कर देंगे, सो वन डिवाइड बाय एक्स पावर टू में आंसर आएगा वन डिवाइड बाय फोर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा एक्स की पावर टू इक्वल टू में फोर, यानी कि एक्स की वैल्यू दोबारा से प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस में रूट ऑफ फोर, प्लस माइनस में रूट ऑफ फोर का मतलब है प्लस माइनस में टू, ठीक है भाई। क्या आंसर निकल कर आया, प्लस माइनस में टू। अब यहाँ पे मैंने ना एक चीज मिसिंग करी हुई है, आप बुक को जरा ध्यान से देखो, बुक में यहीं पर लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो रहेगा, ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो रहेगा। अरे अगर मैं पहले से ही क्वेश्चन को नोट करते चलता तो आपको यहां तक आने में भी दिक्कत होती, लेकिन अब आप समझो एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो वी नीड टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन, ठीक है, हमें नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो नेगेटिव आता, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया था तो नेगेटिव आया था, बट अभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कहा एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो माइनस टू को हटा दिया, ठीक है, सिंपल सा टू इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो टू इज द आंसर, एक्स की वैल्यू टू है, फिर वाई क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू में टू प्लस में वन बाय टू करेंगे, y इक्वल टू में टोटल 5/2 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू है 5/2, x का वैल्यू है 2, पॉइंट अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट में सबसे पहले x का वैल्यू 2, फिर y का वैल्यू 5/2, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है भाई, दिस इज द पॉइंट। तो इस पॉइंट का यूज करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉट टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -4/3 यूज करना है और इक्वेशन फाइंड कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन्होंने पूछा था, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई में माइनस करेंगे y1 के साथ में m2 के साथ में मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन, सो वाई में माइनस करेंगे y1 है 5/2, फिर m2 ये वाला है आंसर है माइनस में 4/3, फिर x में माइनस करेंगे x1 का वैल्यू 2 है, इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं आई अपने को। तो एलसीएम करने पे बन जाएगा 2 × y माइनस में 5 के डिनोमिनेटर में 2 के इक्वल टू में माइनस का 4 × x माइनस में 2, ठीक है भाई। चाहो तो -4 को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कुछ कटपिट तो हो नहीं रहा है, तो माइनस में 4x के एडिशन में 8 के डिनोमिनेटर में 3, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके ये आएगा, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो सबसे पहले ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 हो जाएगा 6 × y, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस में 15 इक्वल टू, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस में 8 × x, 2 फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16, ये 8 इधर आएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 8x, फिर ये वाला वैल्यू 6 × में y, 15 वहां पे जाके प्लस होएगा तो 31, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। 8x प्लस में 6y इक्वल टू में 31, कहीं कोई दिक्कत आई आपको, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जाम में करते जाना, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, फटाफट तेजी में रिवाइज करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना था, नॉर्मल बताने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना था, सबसे पहले हमने गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करा, इस स्लोप का यूज करके नॉर्मल का स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करके, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब दिक्कत आई पॉइंट की, अगर पॉइंट क्वेश्चन गिवन कर देता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पॉइंट गिवन नहीं थे, और पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए ये नॉर्मल का स्लोप है, m2 से m1 पे चले गए रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करके, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने है, इसको सॉल्व करा हमने, डेरिवेटिव डेरिवेटिव करके स्लोप सॉल्व करा, आंसर 2 आ गया। -2 क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, तो आंसर 2 आ गया। फिर वाई का पॉइंट आ गया, फिर इक्वेशन आ गया वाई माइनस वाई वन एम टू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वी टेक एम टू वैल्यू, आंसर हमारा फिनिश हो गया, आसान है ना। अब काफी सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये जो स्लोप ऑफ लाइन है वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये सब तामझाम करने की जरूरत क्या है। मेरे दोस्तों देखो, हम ज्यादा फालतू वाली बातें करते नहीं है,
मैंने आपको बोल दिया स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करते चलो, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो बच्चे रट्टा मार के बैठते हैं कि भैया लाइन अगर पैरेलल है नॉर्मल के, तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकल गया था उसका रट्टा मार लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भाई अगर नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन के, तो उस लाइन का स्लोप टेंजेंट का स्लोप होता है। भाई ऐसे रट्टा मत मारना, आप दिक्कत हो जाएगी, बहुत अधिक दिक्कत हो जाएगी मेरे दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए अलग रट्टा, हर क्वेश्चन के लिए अलग रट्टा, क्या करना है भाई। जब आपको मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कि भाई ऐसे 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 सोल्व होगा, तो ऐसे ऐसे सोल्व करो, समझ रहे हो मेरी बात को। आप इन दो क्वेश्चन के बेसिस पे इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज करा, वहां पे आपका रट्टा काम नहीं आएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है और इसको नोट कर लेना है फटाफट तेजी में, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए टू द कर्व, जो नॉर्मल लाइन है वो इस कर्व के ऊपर ड्रॉ हुई है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, विच, विच का मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है भाई। नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि आपको पासिंग पॉइंट गिवन है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, इक्वेशन का पासिंग पॉइंट गिवन है, वेरी वेरी गुड है। लेकिन अपने को स्लोप नहीं दिया हुआ, राइट, वी डोंट हैव द स्लोप। तो स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आप, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे आपके पास में पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट को फाइंड करने के लिए। अच्छा इसके अंदर एक और यूनिक बात है, बात ऐसी है, देखो बात ऐसी है, जब आप इस कर्व को ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आप इस कर्व को ड्रॉ करोगे तो इसका कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा ये वाला, ठीक, ऐसे जाएगा, और 1 -1 4, -1 4। देखो इसके अंदर एक पॉइंट खासियत है कि -1 4 जो है वो इस कर्व के ऊपर नहीं है। देखो जरा यहाँ पे पुट करो, एक्स की वैल्यू -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे 4, तो ये आ गया है +1, यहाँ पे आया 16, तो नॉट इक्वल है। अगर हमारा ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर होता तो इसको सेटिस्फाई करता, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है कर्व के ऊपर नहीं है, कर्व के ऊपर नहीं है तो कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, इधर ये पॉइंट है। तो इस वाली पॉइंट से, ठीक है, हमारी नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो रखी है, ठीक है, इस पॉइंट से नॉर्मल लाइन ड्रॉ रखी है। तो भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है, नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ हुई होगी, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ हुई होगी, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल लाइन, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नॉर्मल लाइन है, और यहाँ पे ऐसे करके ये टेंजेंट बनी होगी, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, नॉर्मल टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे दोस्तों आपको ये वाला कॉमन पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है, ये वाला जो कॉमन पॉइंट होता है, जो टेंजेंट के ऊपर होता है, नॉर्मल के ऊपर होता है, कर्व के ऊपर होता है, वो वाला कॉमन पॉइंट गिवन नहीं है, कॉमन पॉइंट इज नॉट गिवन। और अगर कॉमन पॉइंट गिवन नहीं है मेरे दोस्तों, तो हम इसका स्लोप फाइंड नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कॉमन पॉइंट से ही स्लोप निकल कर आती है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सभी क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट दिया रहता था आपको, राइट, जो पासिंग पॉइंट होता था वो कॉमन पॉइंट होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पासिंग पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हमें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये एम और एन है, ठीक है भाई, कॉमन पॉइंट नहीं, एम और एन क्यों नहीं यार, एम और एन नहीं है, कॉमन पॉइंट एस और टी है, ठीक है भाई, कॉमन पॉइंट एस और टी है। तो जो स्लोप निकलेगा वो इसी कॉमन पॉइंट पे निकलेगा, है ना, स्लोप इससे नहीं निकलेगा, माइनस ये वाला पॉइंट -1 4 है, ठीक है, दिस इज -1 4, -1 4 इस नॉर्मल का पासिंग पॉइंट है, बट -1 4 यहाँ पे तो है नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है। तो कॉमन पॉइंट क्या है, एस और टी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉमन पॉइंट, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कॉमन पॉइंट जो है वो है एस और टी, ठीक है, लेट द कॉमन पॉइंट बी एस और टी, एस टी जो है ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। फिर कर्व यहाँ पे नोट करेंगे, एक्स की पावर 2 इक्वल टू में 4 × y है, ये बनेगा 2x इक्वल टू में 4 के साथ में dy/dx, ठीक है भाई, dy/dx आप इसको लिख देंगे यहाँ पे, dy/dx का जो टोटल आंसर है, 2x में 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 1 = 2 होगा, 2 2 = 4 होगा,
तो ये x के डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है भाई। ये वाला आपका डेरिवेटिव है x बाय 2। डेरिवेटिव से अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है भाई, नॉर्मल का क्वेश्चन है मैं मानता हूं, लेकिन नॉर्मल के स्लोप पे डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो पहले टेंजेंट का स्लोप m1 होगा, और m1 में ये कॉमन पॉइंट सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। ये वाला कॉमन पॉइंट यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो बनेगा s अपॉन में 2, ठीक है भाई। क्या बनेगा? s अपॉन में 2। तो जो स्लोप है वो s अपॉन 2 है, लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ठीक है। अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और आपको मेथड तो मालूम ही है स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करने का, ये होता है m2, और m2 के साथ में इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय s आएगा, में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है भाई। 2 बाय s रेसिप्रोकल कर दिया और नेगेटिव साइन आ गया, तो ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल तक आने के बाद में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप कहेंगे सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो, इक्वेशन कैसे आ जाएगी? अरे करो तो, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ठीक है, दिस इज द मेथड, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू में m2 के साथ में x माइनस में x1, ठीक है। x1 और y1 ये वाले पॉइंट कहाँ पे, s और t वाले पॉइंट, तो y सेम रहेगा, y1 का वैल्यू t है, m2 का वैल्यू ये है, माइनस में 2 डिवाइड बाय s के ब्रैकेट में x में माइनस करेंगे x1, x1 का वैल्यू सिंपल सा s है, ठीक है भाई। ये वाला इस तरीके से है, और आपको हमने ये भी बताया कि भाई -1 4 जो है वो नॉर्मल के ऊपर है, -1 4 नॉर्मल के ऊपर है, यानी कि नॉर्मल में x और y की वैल्यू -1 4 को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे x और y जो है यहाँ पे -1 4 को सब्सिट्यूट करेंगे तो वो 100% सेटिस्फाई होगा। तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं भाई x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4, ठीक है भाई। ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट होगी, y की जगह पे 4 माइनस में t इक्वल टू में माइनस का 2 डिवाइड बाय s के साथ में x की वैल्यू -1 -s ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई s भी है और t भी है, एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, सोल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे भाई, कर्व का यूज करेंगे, ठीक है। ये s और t जो है, ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कर्व के ऊपर भी तो है, तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे s और t पुट करेंगे तो बनेगा s की पावर 2 इक्वल टू में 4 इंटू में t, यानी कि t का आंसर आएगा s की पावर 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। तो इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है, t की जगह पे ये वाला आंसर लिखेंगे, तो 4 में माइनस कर देंगे s की पावर 2 के डिनोमिनेटर में 4 के इक्वल टू में, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 इंटू एस आएगा, डिनोमिनेटर में सिंपल s है, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस में s पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इक्वल टू में 2 के एडिशन में 2 इंटू एस है, डिनोमिनेटर में s है। अभी भी हम ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कटपिट तो हो नहीं रहा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू एस हो जाएगा, ठीक है, 16 इंटू एस हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एस पावर 3 होगा इक्वल टू, 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और 4 2 8 के साथ में एस आएगा, ये नेगेटिव वहां पे जाके पॉजिटिव होगा तो एस पावर 3, 16 वहां पे जाके नेगेटिव होगा तो माइनस में 8 इंटू एस, ये प्लस में 8 तो है ही है, इक्वल टू में 0, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करेंगे 8 के फैक्टर, ठीक है भाई, 8 के फैक्टर, तो 8 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 8 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और देखेंगे कहाँ पे ये वाला आंसर 0 होता है। तो आप कहेंगे सर ये वाला आंसर इस 2 पे 0 हो जाएगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे 2 सब्सिट्यूट करा, पुट करा हमने एस का वैल्यू 2 है, ठीक है, एस का वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करा, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस में 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, प्लस में 8 है, ठीक है, और इक्वल टू में 0 तो है ही है, 8 और 8 टोटल 16 हो गए, 8 इंटू 2 भी 16 हो गया, टोटल वैल्यू 0 है, इसको सॉल्व करा 0 इक्वल टू में 0 है, तो s इक्वल टू में 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वैल्यू ऑफ s 2 है, ठीक है भाई। ये वाला जो कॉमन पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा था, वहां पे s का वैल्यू कितना है, तो s का वैल्यू 2 है। अब अगर s का वैल्यू 2 है, ठीक है, s का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे t सब्सिट्यूट कर दो, तो
ये बनेगा टी इक्वल टू में टू की पावर टू के डिनोमिनेटर में फोर, यानी कि वैल्यू ऑफ टी वन आ गया। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ टी कितना आ गया, वन आ गया। एस का वैल्यू जो है वो टू है और टी का वैल्यू जो है वन है, यानी कि कॉमन पॉइंट जो है वो टू और वन है। ठीक है भाई, ये जो कॉमन पॉइंट हमने डिनोट करा हुआ है यहाँ पे टू और वन है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल एक्स के साथ चिपका हुआ है, मैंने तो भाई रफ डायग्राम बनाया था ना, एग्जैक्ट 1000% यही डायग्राम है, ऐसा तो मैंने आपको नहीं बोला, रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को करेक्ट करना है तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठा लो, लेकिन मुद्दे की बात है कि जो कॉमन पॉइंट गिवन नहीं था वो कॉमन पॉइंट आपका टू और वन है। अब टू और वन कॉमन पॉइंट का यूज करके आप अपनी स्लोप कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पे एस का वैल्यू पुट करना था तो आप यहाँ पे लिख लो भैया एम टू। ठीक है, एम टू क्या है, तो एम टू है माइनस का टू डिवाइड बाई टू, एस का वैल्यू टू है तो माइनस टू बाई टू, यानी कि एम टू वैल्यू माइनस वन। ठीक है भाई, एम टू की वैल्यू क्या है, तो एम टू की वैल्यू माइनस वन है। अब एम टू की वैल्यू स्लोप ऑफ नॉर्मल है और पॉइंट तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट तो आपको दिया ही हुआ है, अब आप इक्वेशन पता कर लो क्या बनेगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई में माइनस करेंगे वाई वन। ठीक है, वाई में माइनस करेंगे वाई वन, वाई वन का पॉइंट पॉइंट कहाँ है, ये वाला ही है वाई वन। ठीक है, एस और टी, वाई वन यानी कि वन इक्वल टू में एम टू की वैल्यू माइनस वन। ठीक है, एम टू वैल्यू माइनस वन, माइनस वन के साथ में एक्स में माइनस कर देंगे एक्स वन, एक्स वन यानी कि एस, एस यानी कि टू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स एडिशन में टू, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स के एडिशन में वाई के इक्वल टू में थ्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक्स प्लस वाई इक्वल थ्री। सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आंसर बड़ा छोटा सा है, एक्स प्लस वाई बराबर थ्री। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, दिस इज द फिक्स पैटर्न क्वेश्चन, इसको ऐसे ही करना होगा और एग्जाम में आएगा तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके का इक्वेशन आपको गिवन होगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसे का ऐसा ही आएगा, कुछ चेंज होकर नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखें, बिकॉज इसमें कॉमन पॉइंट गिवन नहीं था एंड स्लोप जो डिटरमाइन होती है वो कॉमन पॉइंट पे डिटरमाइन होती है। अगर आप इस वाले पॉइंट का यूज करके स्लोप फाइंड करोगे तो स्लोप निकल तो जाएगा लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, डेट विल बी द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर निकल के आएगा। तो आपको अपने एग्जाम में इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे करना है एंड इसके आगे 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। फिर भी अगर आपके स्कूल के टीचर, क्योंकि मुझे मालूम है वो कोर मैथ्स के टीचर हैं, पंगेबाजी करेंगे ही करेंगे, अगर आपके स्कूल के टीचर कहते हैं कि नहीं भैया 16 क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन करना है, तो टेंशन मत लेना, खाली कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमारे स्कूल में दोनों क्वेश्चन करवाए हैं, हम भी आपको करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो दो क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, तो वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, उसको अलग ही रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल माइंड खराब नहीं करना अपना। ठीक है, मुझे मालूम है, 100% मालूम है आपके टीचर पंगेबाजी करेंगे, तो अगर पंगेबाजी करते हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको 16-17 क्वेश्चन करा दूंगा, अदरवाइज नो नीड टू डू 16 क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, और पॉसिबल हुआ तो 16-17 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि आपके टीचर ने बोला कि करना है तो करवाएंगे, वरना फिर न्यू एक्सरसाइज करेंगे। एंड भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, मेहनत करके करवा रहे हैं, मेहनत करके। ये सारे क्वेश्चन मुझे पहले नोट करने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर सॉल्व करना पड़ता है, फिर इरेज करना पड़ता है, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर से इरेज करना पड़ता है। तो जो वीडियो आपको अभी आधे घंटे का नजर आ रहा है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो होता है, कट कटा के आधा घंटा होता है। तो मेरे दोस्तों हमारे हार्डवर्क का हमें थोड़ा रिवर्ट बैक दे दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में।